हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी मोरी डिजाइन बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है। तो अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो पहले हमें आधा इंच पर एक सीधी सिलाई लगा देनी है और इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई एक लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। पूरे में हमें 1.5 इंच पर निशान लगा देना है। और इसी के सामने हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर तिरछे में सिलाई लगाएंगे। एक निशान छोड़कर हमें दूसरे निशान पर सिलाई लगानी है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से हमारी डिजाइन बनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से डिजाइन बना लेते हैं। हार्ट शेप में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो हमने नीचे की तरफ सिलाई को लगा दिया है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो हमने ऊपर की तरफ भी सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर जो हमारा खाली जगह है वहाँ पर इस तरह से लहर बना लेते हैं। यहाँ पर हम दो लहर इस तरह से बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर भी हमें इस तरह से लहर बना देनी है। बहुत ही सिंपल और सुंदर सी हमारी मोरी डिजाइन बनने वाली है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई को लगाया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से घुमाकर सिलाई लगाएंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से मोरी डिजाइन बनाई है। तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ सिलाई को लगा दिया है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी मोरी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।